बच्चों की वजह से रिव्यू ना बड़ा क्यूट होने वाला है मेरी गाड़ी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो वार के इस एपिसोड में। मेरा नाम है राहुल और आज मेरे पास है यहाँ पे स्कॉर्पियो NZ8L ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट, जो कि इसका टॉप एंड लाइन आता है। और आज मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स बनाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। लेट्स गो टू द कार। की बेसिकली महिंद्रा की सारी कार्स में सेम मिलता है, दैट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि आप इतना पैसा दे के ये गाड़ी ले रहे हो, उसमें भी सेम की XUV300 जैसी मिले तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेट्स गो टू द कार। फ्रंट सेक्शन पे बात करते हैं। फ्रंट सेक्शन की बात करो तो सबसे पहले लाइट्स की बात करता हूँ। लाइट्स काफ़ी बिजी दिखता है ये वाला सेक्शन। ये है टर्निंग इंडिकेटर्स, ये है सिक्वेंशियल DRL जो कि पानी की तरह बहते रहते हैं, ये है इसका फॉग लैम्प और यहाँ पे है प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स और ये है LED। फ्रंट सेक्शन पे आपको देखने को मिलता है कि पूरा ये क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। और गाड़ी में ये आपको क्या कराना पड़ता है कि जैसे Z2 में आपको ये एसेसरीज में ऐड करवानी पड़ती है, मगर ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्रोम के साथ, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। ट्विन पिक्स का लोगो यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, महिंद्रा का नया लोगो। यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे नीचे की तरफ डिफ्यूज़र, क्योंकि ये Z8L टॉप एंड मॉडल है। फ्रंट सेक्शन में बात करने को इतना ही कुछ। वैसे ही बात बताऊँ तो इस गाड़ी का डिज़ाइन मेरे हिसाब से क्या आप सब बताओ किस गाड़ी से इंस्पायर्ड है। मेरे हिसाब से Altroz G4 से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है और ये वाकई साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। अभी पूरी बात करेंगे इसके बारे में, एंड लेट्स हैव अ लुक टू इट। भाई बात होगी इसके बनावट की, डिज़ाइन की, फ्रंट प्रोफाइल की। अब बात करते हैं मेन चीज़ जो इसको पावर देती है, वो है इस हुड के नीचे जो इंजन। इंजन की बात करूँ तो जैसे वर्जन है डीजल 4x480 Z8L टॉप एंड लाइन का है, तो इसमें इंजन मिल जाता है आपको डीजल का, जिसमें चार सिलेंडर्स हैं, 2.2 लीटर का इंजन है डीजल और 172.45 BHP इसमें पावर मिल जाती है और मैक्स टॉर्क 400 Nm का मिल जाता है। कार के अंदर एंटर होने से पहले सबसे बड़ी चीज़ भाई, इतने बड़े गाड़ी के लिए टायर साइजिंग क्या है वो जान लेते हैं। टायर की बात करूँ तो 255/60R18 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े शॉकर्स उधर पीछे देखने को मिल जाते हैं और पीछे वाले सेक्शन में भी आपको ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, वो भी डिस्क में। तो महिंद्रा ने दोनों जो चारों ब्रेक्स हैं वो डिस्क में ऑफर करे हैं इस गाड़ी में, जो कि इस गाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। और राइट नाउ मैं हूँ माइटी महिंद्रा हरिद्वार का जो शोरूम है, डीलरशिप है वहाँ पे, एंड मैनी थैंक्स टू देम। एंड पीछे की साइज़ की बात करूँ तो देखो इतनी गाड़ी काट दो ना मैं, मतलब इतनी मेरे को पता नहीं क्यों इतने पे लैंड क्रूजर फील्स आती है इस गाड़ी को देखते हुए, जो कि लैंड क्रूजर तो अलग ही बात है, मगर ये गाड़ी वाकई काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी है। डी सेगमेंट को कम्पीट करने के लिए महिंद्रा ने इसको बनाया था और एक साल इस गाड़ी को होने वाला है मार्केट में, अब अच्छा खासा नाम कमाया है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, की एंट्री भी मिल जाती है, मगर गाड़ी में कीलेस एंट्री होती है। इनके साथ की ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे एक जगह दी गई है जहाँ से आप वो कर सकते हैं, की डाल के गाड़ी को असेस कर सकते हैं। और ORVM की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के ORVM मिल जाते हैं यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ, देख सकते हैं। हाँ, ज़्यादा बढ़िया साइज़ के आपको ORVM मिल जाते हैं। एंड लेट्स एंटर टू द कार। और ये कुछ इस तरीके का कार का इंटीरियर है। टॉप मॉडल में आपको ये सब में मिल जाता है पैर रखने के लिए, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है और आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, वो थर्ड समझ सकते हैं आप कितनी बढ़िया है। यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स विंडोज़ के लिए, सेंटर लॉक के लिए और विंडोज लॉक करने के लिए, ORVM फोल्ड अनफोल्ड के लिए ऑब्वियसली, और यहाँ पे ORVM को एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको ये गेट खोलने के लिए मिल जाता है नॉब। और स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है और ये इसका ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, और यहाँ पे आपको 4x4 हाई के बटन्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको मोड्स, जो चार मोड्स मिलते हैं स्कॉर्पियो N में, मड, ग्रास, स्नो और डेजर्ट का मोड आपको मिल जाता है। और सबसे पहले बात करता हूँ इस स्टेयरिंग की, काफ़ी खूबसूरत सा ट्विन पिक्स लोगो यार बड़ा प्यारा लगता है सच्ची बताऊँ तो। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बिजी सेक्शन है ये, मेन्यू का बटन है यहाँ पे और यहाँ पे क्रूज़ का बटन है और यहाँ पे जो भी आप सेटिंग्स बताते हैं फेवरेट्स के लिए उसके लिए है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स के लिए है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स के लिए सारा सेटलमेंट दिया हुआ है, सी के सारे ऑप्शंस को, टैकोमीटर भी यहीं से कंट्रोल होता है, और यहाँ पे कॉल कट के लिए और काफ़ी सारे म्यूट वगैरह के लिए, यहाँ पे टेम्पल जय श्री गणेशाय नमः। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है और को पैसेंजर में ऑब्वियसली मिलता है,
वेल दैट्स अ नाइस थिंग, वन टच आपको सनरूफ मिल जाती है, मगर ये आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है। खुलता है, खुल जाता है, मगर बंद नहीं होता है। सॉरी, मेरा गला सूख जाता है शूट करते टाइम। एंड दैट्स बट हियर हु इज चेकिंग आउट द कार। हाय, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि भाई कार को देखने आए हैं। आपका नाम क्या है? नमिश त्यागी। से हाई टू नमिश त्यागी एवरीवन। सो आई वाज टेलिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड दिस म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये यहाँ पे स्क्रीन आपको 10 इंच लगभग की आपको मिल जाती है। यहाँ पे एक्यूरेट साइज में आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हेड टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे कि यहाँ पे मोड्स वगैरह आपको सब दिखते हैं, यहाँ पे इंजन फ्लूइड वगैरह सब कुछ, सीट बेल्ट की वार्निंग वगैरह सब कुछ दिखता है। और यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर्स के साथ साथ डिजिटल मीटर दिख जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन, यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेशन, और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट, और यहाँ पे पार्किंग असिस्ट के लिए। और यहाँ पे आपको ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल और SRS एयरबैग्स। इस गाड़ी में 12 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं महिंद्रा के थ्रू। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये Z8L लग्जरी का 4x4 का मॉडल है। तो यहाँ पे आपको 4x4 के ये फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये इसका फंक्शनिंग ये होता है कि आप मोड स्विच प्लस वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैनुअल ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड सनरूफ की बात बताऊँ तो सनरूफ वन टच आपको मिल जाता है। मेरे को थोड़ा फंक्शन करना नहीं आता है। सनरूफ आपको ऑब्वियसली वन टच मिलता है, मेरे को थोड़ा फंक्शन नहीं करना आता, इसीलिए वेट। और यहाँ पे मैं आपको ऊपर वाला सेक्शन दिखाऊं, तो यहाँ पे जो अरुण पवार वाला इश्यू था, जो कि मेनली सनरूफ में पान गया। देखो भैया, सनरूफ किसी भी गाड़ी का हो, उसका यही पर्पज रहता है कि आप यहाँ पे डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, सॉरी फॉर दैट, मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि शोरूम है और डेमो कार है। एंड मैं बता रहा था कि आपको सनरूफ का रूल ये होता है कि देखो, आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, आप बेंज क्यों ना ले लो, आप ऑडी क्यों ना ले लो, तो सनरूफ का ये होता है कि आप इस पे ज़बरदस्ती ज़्यादा लोग जाएंगे, इसकी रबड़ ढीली वगैरह कर देंगे, ऑब्वियसली लीकेज आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और अरुण पवार के केस में भी यही था, मगर उसके बाद भी महिंद्रा ने इम्प्रूवमेंट्स किए और ये भी वन टच है, वन टच ही बंद होता है। मेरे को थोड़ा कंट्रोल करना नहीं आ रहा है इसका, इसीलिए मैं दो बार टच कर रहा हूँ। और ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा इसमें। एंड यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स पैसेंजर एयर ऑफ वगैरह के, और यहाँ पे USB का पोर्ट मिल जाता है आपको बैटरी चार्जिंग के लिए, म्यूजिक कनेक्शन के लिए। हाय, व्हाट्स योर नेम? रंगोली। हाय रंगोली, से हाय टू रंगोली व्यूअर्स। एंड लेट्स हेड टू द सेकेंड रो ऑफ दिस। बच्चे थोड़ा यार परेशान कर रहे हैं, क्या करें, आप गाड़ी भी एक ही मिली, उनके कस्टमर्स को भी मना नहीं कर सकते। मैं उस साइड से जाऊंगा और आपको सीटिंग वगैरह का सब कुछ दिखाने वाला हूं इस साइड से। सो लेट्स हेड टू दैट। पर डिस्टर्ब हो रहा था, यहाँ पे इंटरप्शन हो रहा था, तो मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे ये कोल्ड ग्लव्स, यहाँ पे एक फ़ैन लगाओ, यहाँ पे आपको एक ऑनर्स मैनुअल मिल जाती है, दो बुकलेट्स इसमें मिल जाती हैं, इसमें एक बड़ा बुक, एक छोटा बुक इसमें मिल जाता है, एक फर्स्ट एड की किट मिल जाती है, और यहाँ पे लाइट के साथ एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में डिसेंट सा साइज़ है, ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो N की बैजिंग, दैट्स वेरी नाइस, स्कॉर्पियो N की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। बच्चे और यहाँ पे सेकेंड रो का एंट्रेंस यहाँ से होगा। सेकेंड रो में आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे विंडो रोल डाउन के लिए ये आपको हैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ का मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा, और हाइटेड है गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो अच्छी खासी हाइट है इस गाड़ी की। चढ़ने उतरने में जो छोटे साइज़ के हैं, जो बूढ़े हैं, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं दो, यहाँ पे AC कंट्रोल्स, और टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी एडवांस चीज़ है, एडवांस बात है। और यहाँ पे आपको तीन लोगों की प्रॉपर सीट्स मिल जाती है, यू कैन सी। और यहाँ पे हैंडल्स भी मिल जाता है, और थर्ड पर्सन के लिए भी यहाँ पे हेड रेस्ट मिल जाता है। और पीछे वाली साइड पे बताऊँ तो पीछे वाली साइड पे सिर्फ रंगोली जैसे छोटे छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं, और नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेग स्पेस थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। और हैंड रेस्ट आपको दिखा दो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दो कप होल्डर्स भी मिलेंगे, यस। एंड
डिसेंट साइज का, काफी ज्यादा अच्छा। यस हैं, दैट्स नाइस। शी इज टॉकिंग अबाउट आईफोन 14, द फ्लैक्स हो गया बच्चों के सामने। ओह नो, ओह माय गॉड, वाओ, बच्चे मन के सच्चे, मगर मैं इतना पॉपुलर तो नहीं जो मेरे फैन हो बच्चे। दे आर टॉकिंग जस्ट वो जो कि चला आता है इंटरनेट पे, किसी को भी देखो बोल दो। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस कार एंड मोर। मैं आपको सीट टंबल कैसे होती है वो दिखाने वाला हूँ। इस कार की सीट्स की बात करूँ, यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है टंबल करने के लिए। एंड दैट्स गुड, गुड टू गो हेयर। यहाँ पे सेकेंड रो की बात करता हूँ, यहाँ पे बैठते ही यस इट इज कूल। लेग स्पेस मेरे जैसे 5'9" के हाइटेड बंदे के लिए तो लेग स्पेस बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म। और हेड रूम तीनों सीटों में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉपर मिल जाती है। यहाँ पे कैबिन लाइट मिल जाती है एक, यस सो भी सकते हैं, यस सो भी सकते हैं। और थर्ड कंपार्टमेंट की विंडो आपको जो खुलती नहीं है, बाहर से इसके स्कॉर्पियो एन का डिज़ाइन बना हुआ है। मेरी वॉच जरा खुल गई, मैं इसको मिला के दोबारा मिलता हूँ आप लोगों के साथ। और फिर बूट स्पेस की बात करते हैं, देन 360 अराउंड। नो 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 नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, आपके पैरों में चोट लग जाएगी। लेट्स गो टू द बूट स्पेस। और जैसे सीट खोली थी वैसे अब बंद करना भी बताना ही पड़ेगा जाते जाते। और यहाँ पे ये सीट बंद हो गई है और यहाँ पे गेट हमने कर दिया क्लोज। और यहाँ पे एड्रेनॉक्स की बैजिंग, क्योंकि इस गाड़ी में एड्रेनॉक्स ऑफर किया जाता है। और टेल लैंप की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, जो कि वॉल्वो से ऑब्वियसली इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इसमें रिवर्स लाइट मिलती है आपको नीचे की तरफ। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पे जगह थी दे सकते थे। और यहाँ पे 4 Explorer 4x4 वेरिएंट है। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, सॉरी ध्यान से रिंगोली के लग जाती है अभी। यहाँ पे अपने महिंद्रा के डीएनए को बस जिंदा रखने के लिए शायद महिंद्रा ने ये लीवर दिया है गेट खोलने के लिए। और स्पेस ऑन ऑफर इज 460 liters, मगर सीट टंबल करके थोड़ा पहले इनको टंबल करना पड़ेगा, पहले इसको टंबल करके फिर हो सकता है। मैं वो गलत कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत टूल नहीं, वो जो जब रिफ्लेक्टिंग ट्रायंगल आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये रोकने के लिए, सीट रोकने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे इसको कनेक्ट करके ये सीट हो जाएगी, उसके बाद ये सीट हिलेगी नहीं। अब इसमें स्पेस हो जाती है 460 liters। और बाकी सीट्स रख के मतलब प्रॉपर 7-सीटर बनाने के बाद कितनी स्पेस होती है वो देखेंगे। एंड रंगोली इज सीटिंग देयर, रंगोली जगह हो रही है प्रॉपर, रंगोली तो प्रॉपर सो गई रंगोली प्रॉपर सो गई। इन बच्चों की वजह से रिव्यू ना बड़ा क्यूट होने वाला है मेरी गाड़ी का। ये शार्क फिर एंटीना देख लो पहले। एंड रंगोली बाहर आ जाओ, हम अब गेट बंद कर रहे हैं। कम कम कम, हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ आप। और सबसे बढ़िया बात, इस स्कॉर्पियो जैसे इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी, इसका यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स दिए हुए हैं। तो आपको नहीं नहीं नहीं, रंगोली हाथ काले हो जाएंगे आपके, पीछे हट जाओ रंगोली, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स दिए गए हैं, आपको बस गेट खोलना है, गेट खुलता रहेगा खुद। एंड थोड़ी सी जान लगा, गेट बंद कर दिया। और यहाँ पे पीछे भी आपको, यहाँ पे पीछे भी आपको वाइपर मिल जाता है विद डीफोगर। और यहाँ पे हेड माउंटेड ब्रेक लाइट आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है बढ़िया सा स्पॉइलर। और रूफ रिल्स भी आपको इसमें ऑफर करे जाते हैं टॉप मॉडल में। नो 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 नो, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, गिर जाओगे गिर जाओगे, हे भगवान। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन की बैजिंग मिल जाती है। और प्रॉपर यहाँ पे मड फ्लैप्स भी आपको ऑफर में किए जाते हैं। दिखा दिया मैंने सनरूफ। एंड एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और सनरूफ एज ए रंगोली सेट ऊपर से ही दिखा देता हूँ मैं, ऊपर वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हेडरूम जो आगे की साइड और मिडल सेक्शन में और लास्ट वाले रूम में, तीनों जगह सबसे बढ़िया मिलती है, नो डाउट इन दैट। दिस इज़ अ टॉप मॉडल, तो ये ऑटोमेटिक है जिसमें आपको सिर्फ दो ही पैडल, दो ही शिफ्ट मिलते हैं, दो ही ये लीवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं ब्रेक वगैरह के लिए। स्टार्ट करने की बात करते हैं, स्टार्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी शोरूम में मूवमेंट ज़्यादा है, आवाज़ करेगी, तो मैं आपको स्टार्ट तो नहीं कर सकता, मगर मैंने आपको रील में दिखा दिया है, आप इंस्टाग्राम चेक कर लेना हमारा ऑटो वॉर। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे।
यहाँ पे आपको बढ़िया जगह मिल जाती है। यहाँ पे एक छोटी बोतल आ सकती है, एक छोटी बोतल आ सकती है, ज़्यादा बड़ी बोतल तो नहीं आ सकती। और गेट यहाँ पे बंद कर देते हैं एंड से हाय टू द मिस्टर वरुण राणा। हाय 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 एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब ऑटो वार। Don't forget to subscribe Auto War and don't forget to follow us also. That's all for today and until that.